हेलो एंड वेलकम टू सी डी डी एफ बी। दोस्तों, सी डी डी एफ बी की नई क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर आपके सामने एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ, ट्यूटोरियल। आज जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक इमेज रखी हुई है एक गर्ल की। तो मैं इस इमेज को ट्रेस करके इलस्ट्रेशन एक वेक्टर पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करूँगा। आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से हेयर बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं, कैसे बनेंगे, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें ये किस तरह इसको इमेज को ड्रॉ करके डिजिटल आर्टवर्क बनाया जा सकता है वेक्टर इसका। तो देखिए, जैसा मैंने नेट से सर्च करी गर्ल नाम से इमेज, यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस आ गई। तो मुझे ये अच्छी लगी क्योंकि इसके हेयर्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने ये चूज़ कर ली। एक आप भी नेट पे ढूंढ सकते हैं, ये इसका आप देख सकते हैं, पिन बाय नीना ऑन आउटफिट ब्लॉन्ड। खैर, तो ये मैंने चूज़ कर लिया और मैंने कोरल ड्रॉ में कॉल कर ली, कॉपी करके पेस्ट कर लिए। अब मैं इस पर काम करूँगा। अब बीच बीच में हो सकता है मैं इसको जब काम कर रहा हूँगा वीडियो, क्योंकि हो सकता है लंबा हो जाएगा, तो मैं डिटेल्स समझाने के बाद कि मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे हेयर्स ड्रॉ करने होंगे मुझे, मैं डिटेल्स समझा दूँगा थोड़ी सी किस तरह कर रहा हूँ, फिर उसको फास्ट फॉरवर्ड करके एडिटिंग में मैं वीडियो को एडिट करके जब फास्ट फॉरवर्ड करके ताकि जल्दी से पूरा कंप्लीट हो जाए हेयर, जो चीज़ समझा चुकूँगा, तो समझ जाइएगा कि मैंने उसको फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी बनाया है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। और सबसे पहले ये इमेज को हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। कुछ पार्ट हम इसको अलग अलग पार्ट्स में ड्रॉ करेंगे। एक फेस का पार्ट बना लेंगे, मान लीजिए इसको ग्रुप में लेंगे हम, फिर दूसरा एक हेयर्स का सारा एक ग्रुप बना लेंगे, उसके साथ एक ग्रुप में ले लेंगे, फिर ये हैंड्स का बॉडी वाले पार्ट्स में ले लेंगे। तो ये इस तरह हैंड्स को ड्रॉ करेंगे हम, ताकि ये स्टेप बाय स्टेप बनाए कौन सी लेयर हमें ऊपर और नीचे करनी है, बिहाइंड और अपर, तो वो बाद में आसानी रहेगी हमें। ये सब चीज़ें शुरू से माइंड में रख के चलनी पड़ती हैं कि हम अगर इसको बनाएंगे तो हमें आगे क्या परेशानियाँ आ सकती हैं। हमें हेयर वगैरह बहुत हिसाब से ड्रॉ करने होंगे ताकि जब हम ये हैंड्स वगैरह सब ड्रॉ करें, फेस ड्रॉ करें, तो फेस के ऊपर ये दो पार्ट्स में अलग अलग करने पड़ेंगे या सिंगल पार्ट में करेंगे वो हम देखेंगे, क्योंकि ये फेस के ऊपर रखने होंगे तो अच्छा लगना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसमें ड्रॉ करना चाहूँगा फेस वाला पोर्शन। देखिए, मैं इसका ये शेप ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ से टूल देखता हूँ कौन सा यूज़ करूँगा, बेजियर या पेन टूल यूज़ करते हैं आज। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये हेयर की एजेस से कर्व इस तरह लेता हुआ चलूँगा। देखिए, जहाँ रख कर आप ड्रॉ करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसको जब आप ड्रैग करेंगे इसको डायरेक्शन के हिसाब से, तो कर्व ले लेगा। और जब मैं इससे, देखिए मेरा कर्व सही नहीं बैठ रहा है, यहाँ से ख़राब हो रहा है, तो मैं इसको ऑल्ट के साथ यहाँ क्लिक करूँगा इस लास्ट नोड पर, तो ये स्ट्रेट हो जाएगी। अब मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ अपने हिसाब से। हम इसको बाद में भी एडिट कर सकते हैं ड्रॉ करने के, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर शुरू से ही अच्छा लेकर चलेंगे तो आपको आगे परेशानी नहीं आएगी। देखिए, मैं इसको शुरू से ही हिसाब से सही लेकर चलूँगा ताकि ये मेरी ड्राइंग सही बैठ जाए। तो ये मेरा फेस का एक मास्क ऑलमोस्ट बन गया है, हल्का सा यहाँ हम एडिट कर सकेंगे लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसको, अच्छा मैंने इसमें एक पेज और कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ इंसर्ट पेज आफ्टर, और यहाँ मैं इसमें से जो जो ड्रॉ करता रहूँगा उसको कॉपी करके नेक्स्ट पेज पर रखता रहूँगा। इसकी आउटलाइन येलो कर देता हूँ ताकि मुझे क्लियर दिखता रहे। कॉपी एंड नेक्स्ट पेज पे, तो ये वहाँ भी रहेगा मेरे पास और यहाँ भी एक आ जाएगी कॉपी। ठीक है जी, ये हम फर्स्ट पेज पर आ गए। ज़्यादा डिटेल में बाकी कमियाँ वगैरह जो होंगी हमारी बाद में सही कर लेंगे, हम सिर्फ लेआउट ड्रॉ कर रहे हैं अभी। अब हम इसका हेयर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं कैसे बनेगा हमारा। तो हम यहाँ से एक फिर से वही टूल लेंगे, पेन टूल। ये देखिए, यहाँ से इस तरह ये एजीज इसकी थोड़ी सी ध्यान से बनाइएगा जब भी बनाएं,
क्योंकि एजेस से बहुत असर पड़ता है आपके ड्राइंग दिखने में, खूबसूरती का। ये थोड़ी सी इसमें मेहनत कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपको। देखिए मैं इसको वन पीस यहाँ तक लाऊंगा, हैंड को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हैंड है, आप इसको ट्रांसपेरेंट मानकर चलिए, हैंड नहीं है। और इसको इस तरह ड्रॉ करेंगे हम, देखिए ये इस तरह कुछ। मैं स्क्रॉल के साथ इसको कर रहा हूँ मूव, इसको यहाँ थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, इस तरह ले आएंगे। ये फेस वाला पोर्शन हो गया, इसको हम कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे नेक्स्ट पेज पे। अभी सिर्फ सिंपली जमा करते रहेंगे एलिमेंट्स, अभी और कुछ नहीं करेंगे, फिर सेव कर लेंगे। देखिए दो चीज़ें हो गई, इसको भी येलो कर देता हूँ ताकि ज़्यादा वो ना लगे डिस्टरबेंस। अब मान लीजिए ये दो ऐप हमारे ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गए हैं, हम इसको लाइट कलर कर लेते हैं, यहाँ ग्रे ग्रे ताकि ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, और इसको लॉक कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये लॉक होगा, अब ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इस इमेज को भी हम यहीं लॉक कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ड्रॉ होती जा रही है हम लॉक कर रहे हैं, ये हैंड वाला पोर्शन बना लेते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हैंड यहाँ तक अलग बनाऊँ और ये सेकेंड पार्ट अलग बनाऊँ बॉडी का, तो हम यहाँ से हैंड ये लेफ्ट वाला ड्रॉ करते हैं पहले।
अब हम बारो हेयर स्टाइल के लिए बालों के लिए एक ब्रश ड्रॉ करेंगे, डिज़ाइन करेंगे ताकि बालों की अच्छी लुक आ सके हमारी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आर्टिस्टिक मीडिया में जाएंगे, ये वाला टूल लेंगे हम, और यहाँ से हम दोनों साइड एज वाला लेंगे, ये बारीक वाला भी ले सकते हैं या ये बोल्ड वाला भी, तो हम कोई सा भी ले लेंगे। ये वाला ले लेते हैं थोड़ा सा, चलिए बारीक वाला या बोल्ड वाला देखेंगे, बोल्ड वाला ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं ऊपर से फोर्थ। तो इसको हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट। देखिए यहाँ मैं कैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ छोटी सी, और इसके अंदर ये ब्रश अप्लाई करूँगा। देखिए हमें कितना रखना है ये देखेंगे, थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ मैं, मज़ा नहीं आ रहा, मैं दूसरा देखता हूँ। चलिए इसको ले लेते हैं हम, और अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। सबसे पहले ब्रेक अपार्ट कर लेंगे हम इसको, ताकि ये हमारा आर्टिस्टिक मीडिया ना रहे, डिलीट कर देंगे। इसको हम शेप टूल से चेक करेंगे, तो हल्का सा इसको ऐसे कर लेंगे, एज पर से थोड़ा सा वाइड, और यहाँ बीच से थोड़ा सा कम करेंगे। मान लीजिए इस तरह का कुछ है, और अब इसकी हम एक कॉपी और ले लेंगे, कॉपी पेस्ट, और इसको हम डार्क ग्रे कर देंगे इस तरह। ये देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे यहाँ से, देखिए इसकी एजेस डबल हो जाएंगे, हम ये बाद में एडजस्ट करेंगे अभी। फिर एक कॉपी और ले लेंगे इसकी, हम इसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये एक और कर लिया हमने, इसको हम और लाइट टोन ले लेंगे। एक साइड से हम इसको थोड़ा सा पतला और एक साइड से मोटा कर देंगे, ताकि इवन सा ना रहे, यानी इवन सा हो जाए। और ये इसको हम इस तरीके से ड्रैग कर कर यहाँ एक और कॉपी कर देंगे। इस बार हम फिर से कोई इसके बीच का कलर ले लेंगे, तो ये तीन अलग अलग तरह के कलर हो जाएंगे हमारे पास। ये देखिए, ठीक है, कुछ इस तरह का बन जाएगा। इसको हम एक तरफ से और कम कर लेते हैं ऊपर से ये। अब देखिए हम इन सभी को देखेंगे, यहाँ पर शेप इसका थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हम इसके शेप टूल लेंगे और उसको एडजस्ट करके इस वाले शेप पर ला कर रखेंगे। स्नैपिंग ऑन कर लेते हैं ताकि हम सही जगह आ जाए आराम से। ये आ गया, इसको हम थोड़ा बहुत छोटा बड़ा इस तरह से अलग अलग कर कर भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है आप एज से ही मिलाएं, इसके अंदर अगर आगे पीछे भी हो जाए तो चलेगा ये, लेकिन जब एक फाइनल एज आए तो वो एक ही आनी चाहिए। ये यहाँ इस तरह है, देखिए कुछ आ जाएगा। देखिए इसको यहाँ से भी हम कर लेंगे पहले, सेकंड वाला हम यहाँ कहीं रख लेंगे, थर्ड वाला हम यहाँ ले आएंगे। सही है, अब इसको हम आराम से जूम कर कर देख लेते हैं क्या पोजीशन है। हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे यहाँ पर शेप को, हल्का सा इस तरह, स्नैपिंग ऑफ कर देते हैं, परेशान कर रही है ये, मास्टर है हमारा, इस पे मेहनत करनी है थोड़ी सी। ये सही है, जब ये ऐसा कुछ हो जाएगा तो हम इसको ग्रुप कर लेंगे एक साथ इस तरह, और यहाँ पर हम विंडोज़ में जाएंगे, डॉकर्स में जाएंगे, और आर्टिस्टिक मीडिया हम ओपन करेंगे इफेक्ट में जाकर। अब जब ये ओपन हो जाएगी तो हम यहाँ आर्टिस्टिक मीडिया का टूल लेंगे सेव का, और यहाँ हम ब्रश क्रिएट करेंगे और इसका नाम रख देंगे हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल, और इसको सेव कर देंगे। ओके डन, अब हम इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको रख लेते हैं कहीं साइड में। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको अब देखते हैं जूम कर कर, अब हम इसका हेयर स्टाइल ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम आर्टिस्टिक मीडिया लेंगे, ब्रश लेंगे, और यहाँ कस्टम ब्रश में हमारे सेलेक्ट होगा, और हेयर स्टाइल का देखिए हमने जो अभी क्रिएट किया है,
देखते हैं ड्रॉ करके। हाँ यही वाला है। वापस से स्टाइल लाएंगे। पर भी देख लेते हैं एक बार। हाँ ये बन गया है देखिए। ठीक है जी, हम इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे। हमने जो शेप बनाया था हेयर्स का, पहले तो उसको अनलॉक कर देते हैं ताकि हम उसका कलर चेंज कर लें, येलो कलर। अब हम इस पर काम करेंगे, इसको फिर से लॉक कर देते हैं। ये हमने अपना आर्टिस्टिक मीडिया चूज़ किया, देखिए हमारा ब्रश वही सिलेक्ट है। इसकी थिकनेस हम बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, जितनी भी हमें सूटेबल लगे हेयर के लिए, ये बढ़ा ली हमने। और इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करेंगे इस येलो लाइन के अंदर अंदर। ये देखिए यहाँ कुछ इस तरह, फिर से लाएंगे, ये कुछ इस तरह फिर से लाएंगे। इसके साथ एक्सपेरिमेंट और भी कर सकते हैं आप, इसको कुछ को बोल्ड कर दीजिए, कुछ को थिन कर दीजिए इस तरह से। ये देखिए ये बोल्ड हो गया, तो अब मैं फिर से बाहर से क्लिक कर कर इसको थिन कर दूंगा थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा अनइवन लगेगा तो अच्छा बनकर आएगा हेयर का इफ़ेक्ट। ये देखिए, ये देखिए, इसके फ्लो के हिसाब से हेयर के हम ड्रॉ कर लेंगे इसको। यहाँ याद रखिएगा हमें येलो आउटलाइन को फॉलो ज़रूर करना है, थोड़ा सा उससे बाहर ना जाएं, कोशिश कीजिएगा कि उसको बाहर जाने को अवॉइड करें। तो मैं जल्दी जल्दी से थोड़े से हेयर स्टाइल ड्रॉ कर लूँगा इसके।
ये ऑलमोस्ट डन हो गया, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, क्योंकि इसकी डिटेल भी बनाई जा सकती है, लेकिन अभी बनाऊंगा तो उसमें टाइम लग जाएगा। एक दो चीज़ रह गई हैं, जैसे रिंग रह गई है और ये सब चीज़ें छोटी मोटी, वो इतनी ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़ आप जो समझानी थी, हेयर स्टाइल वगैरह और ये सब बनाना, आपने देखा होगा कैसे हमने बना लिया। हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके स्पीड आर्ट मोड पर दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो? थोड़ी सी लंबी तो हो गई, बोरिंग हो सकता है लगी हो आपको, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज कैसा लगा आपको ये काम, कुछ नया सीखने को मिला कम से कम, हेयर स्टाइल का ब्रश और ये ट्रेसिंग की टेक्निक आपको आइडिया मिल गया होगा। मैंने जल्दी करने की वजह से फ्री हैंड टूल से किया है, आप बेजियर टूल से या पेन टूल से करेंगे तो इसकी एजेस और अच्छी बनेंगी शार्प। तो आज की क्लास में, आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। नई क्लास नए ट्यूटोरियल फिर लेकर आऊँगा। CDTFB को देखते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग CDTFB, थैंक यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ CDTFB फैमिली।